Today, we are going to learn about the eraser tool in Photoshop and all the tools exist in that drop down menu. Okay, so there are three tools and today we are going to discuss about all these three tools. Okay, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो Photoshop का UI आपको दिख रहा है, इतने बड़े बड़े icons, actual में इतने बड़े होते नहीं है, ये आपकी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी होते हैं, बट इतने बड़े नहीं होते हैं. मैंने जानबूझ की इतना बड़ा इसका UI कर रखा था कि आप अगर आप इस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हो तब आपको सारे आइकॉन्स ढंग से दिख जाएं. तो इरेजर टूल जो फोटोशॉप में होता है वो एग्जैक्ट लाइक रबड़ होता है. ओके, पहले मैं ब्रश को छोटा कर देता हूँ ये अपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से. ओके, थोड़ा छोटा किया मैंने ब्रश को अपने. ठीक है, तो ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए और कुछ नई चीज़ें आई हैं जो मुझे अब जाके पता लगी हैं, तो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड पे ऑल दबाओ, ऑल दबा रखा भी मैंने, उसके बाद अपने माउस का राइट क्लिक करो. तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक रेड कलर का ब्रश दिख रहा है जिसके ऊपर डायमीटर लिखा है, हार्डनेस लिखी है, ओपेसिटी लिखी है. अगर मैं इसको लेफ्ट राइट ड्रैग करूँगा तो ब्रश का साइज बड़ा होगा लेफ्ट, अगर मैं इसको राइट सेट कर रहा हूँ और लेफ्ट सेट कर रहा हूँ तो ब्रश का साइज छोटा होगा. जरूरी नहीं है कि मैं मुझे इधर आके रुकना है, मैं पीछे भी जा सकता हूँ. ओके, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये ब्रश की हार्डनेस बढ़ेगी, अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करूंगा तो ब्रश की हार्डनेस कम होगी. अगर लेट्स से अगर मैंने इसकी हार्डनेस कर रखी है एकदम फुल, अब एकदम फुल नहीं है क्योंकि नीचे जगह खत्म होगी, तो मुझे दोबारा क्लिक करना होगा, ऑल दबाया, माउस का राइट क्लिक एंड देन ये. अभी इरेजर टूल ले रखा है, अभी मैंने सिंगल क्लिक किया, इसने इरेज कर दिया. ठीक है, बैकग्राउंड में वाइट कलर क्यों आ रहा है बताऊंगा, वेट डोंट वरी. ठीक है, तो इतना अजीब सा हो गया तो नहीं अच्छा लग रहा, और दबाया माउस का राइट क्लिक दबाया. ठीक है, ऊपर की तरफ ड्रैग किया, जैसे जगह खत्म हो गई दोबारा किया तो ये. ठीक है, ब्रश को छोटा बड़ा करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, प्रोफेशनल्स अब यही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आई डोंट नो कि ये फोटोशॉप CS2 में है या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ये फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में है, फोटोशॉप CC के. सो बेसिकली आई एम यूजिंग फोटोशॉप वर्जन 2017. ओके, सो एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले जो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो आपकी मेन फाइल है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लें. ठीक है, तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो गई, अदरवाइज आप इस पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दो तो तभी डुप्लीकेट हो जाएगी. ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड लेयर के आगे जो विजिबिलिटी है, जो ये आई का आइकॉन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो गई. ठीक है, और इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, एक रीज़न मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं बताना भूल गया, सॉरी, इसकी विजिबिलिटी हटाता हूँ, पहले इस पर क्लिक किया. ओके, तो अभी आप देखेंगे ये बैकग्राउंड लेयर है जिसके आगे लॉक लगा है, अगर अभी मैं इरेजर टूल से मिटाता हूँ तो बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में वाइट कलर सिलेक्टेड है. ओके, तो बैकग्राउंड लेयर में हमेशा ये होता है, जो बैकग्राउंड में जो कलर होता है वो शो करता है. लेट्स से अगर ब्लैक कलर ऊपर है ये नीचे हो जाए तो एक्स दबाने से स्वैप हो जाता है कलर, अब बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आएगा. ठीक है, और वही ऑप्शंस ऊपर जो है ओपेसिटी के फ्लो के, ये सेम लाइक फोटो ब्रश टूल की तरह है जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको याद नहीं तो वहाँ पे आप जाके देख लो एक बार. ओपेसिटी को कम किया मैंने, अब जाके ब्रश टूल चलाया तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आ गई, मैं दोबारा चलाऊंगा तो कुछ चीज़ें मिटेंगी, तो ओपेसिटी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं. ठीक है, तो फोटोशॉप के अंदर ओपेसिटी को हम ये जो ये ओपेसिटी लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तब भी ये वर्क करेगा, और ऊपर से इसको इस मेन्यू खोलता हूँ छोटी सी तब भी ये वर्क करेगा. ठीक है, तो फास्ट वर्किंग के लिए ये बेटर है कि ओपेसिटी के ऊपर गए तो एक छोटा सा आइकन आ गया लेफ्ट राइट के, इसमें एरोज बने हैं, इस पर क्लिक करके मैं से लेफ्ट राइट ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज लिखी आ रही है, तो लेट इट बी ऑन द 100%. ओके, तो अभी बैकग्राउंड में ब्लैक कलर या फिर ये वाइट कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लाइक ये लॉक्ड है. अगर इस लॉक जो ताला बना है यहाँ पे, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये अब ये लेयर बन गई. ठीक है, अगर अब मैं मिटाऊंगा तो बैकग्राउंड में ये ट्रांसपेरेंसी वाले ग्रिड्स दिखेंगे आपको, ताकि आप इसको एज ए PNG में सेव कर सकें. ओके, तो इसको हटाने या फिर लॉक को हटाने का दूसरा तरीका जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं, डबल क्लिक ऑन द लेयर एंड क्लिक ओके. ये बहुत लंबा टास्क लगता है मुझे, सिंपल क्लिक ऑन द लॉक एंड यू विल बी गेटिंग योर इमेज. ओके, सो मैं ऊपर वाली इमेज पे की आई पे विजिबिलिटी करता हूँ. ओके, और पीछे वाली से हटाता हूँ. सो जो ये आई दिख रही है, इसकी आई को भी विजिबल करने का शॉर्टकट है एक कंट्रोल प्लस में, जो आपका डॉट आता है, सॉरी कॉमा, कॉमा कंट्रोल के साथ जो कॉमा बटन दबाओगे आप तो ये विजिबल होता जाएगा, विजिबल ओ सॉरी इनविजिबल विजिबल इनविजिबल विजिबल. ठीक है, तो ये शॉर्टकट है. सो अभी अगर मैं इरेज करता हूँ तो बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी ग्रिड्स आ रही है. ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो इरेजर टूल में तो फिलहाल ये है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे, बैकग्राउंड इरेजर टूल में. ठीक है,
तो बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, नाम से पता लग रहा है बैकग्राउंड को इरेज करता है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड, ये गर्ल के पीछे बैकग्राउंड है वो उसको वो इरेज करेगा। वो कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। मैंने एक क्लिक किया तो इस जगह पे जहाँ पे छोटा सा प्लस दिख रहा है, इस जगह पे जो भी कलर होगा वो उसी को अपने क्या बोलते हैं ऐसे रेफरेंस ले लेगा, ठीक है। वही कलर वो ले लेगा और वो कलर इसको जहाँ भी मिलेगा वो उसको मिटोता चला जाएगा, ठीक है। अभी मैंने माउस का क्लिक दबा रखा है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो जिस जगह पे मैंने क्लिक किया उस जगह का कलर ले लेगा। लेट्स से कि ये मिट नहीं रहा था तो अब इधर क्लिक किया तो इस जगह का कलर ले लेगा। तो बैकग्राउंड में ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड्स आ रही है जिसकी वजह से ना हमें समझ में नहीं आ रहा कितना मिटा ढंग से कितना नहीं मिटा। तो उसके लिए भी एक चीज़ है, पहले मैं बैक जा रहा हूँ दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट जेड के साथ, ठीक है। नीचे वाली लेयर के पास आए, ठीक है। ये है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इस पर क्लिक किया, सबसे टॉप पे है हमारे सॉलिड कलर। सॉलिड कलर पे गए, यहाँ पे ब्लैक कलर ऑलरेडी यहाँ पे सबसे कोने पे है जो जिसकी हैक्स वैल्यू 6x0 है। ओके प्रेस किया, अब यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। अगर मैं इसकी विजिबिलिटी हटाता हूँ, ये भाई इस पर क्लिक किया, मैं शॉर्टकट किसे कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस कॉमा, तो बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर की लेयर है, ठीक है, जो विजिबल हो रही है। दोबारा मैंने कंट्रोल कॉमा दबाया, ठीक है। अब मैंने बैकग्राउंड इरेज करना स्टार्ट किया, मैंने और दबा के जूम किया इसे, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया एक, अब उस जगह का कलर ये ले रहा है, ओके। तो इसने मिटाना स्टार्ट किया, बट आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस कम है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ टॉलरेंस, ओके। टॉलरेंस को आप ले लीजिए एज अ कलर्स, 10% ये कलर्स ले रहा है जितने भी कलर्स होते हैं उसके, ठीक है। टॉलरेंस जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करेगा, बट टॉलरेंस जब बहुत ज़्यादा होगी तो हेयर्स के अंदर भी उसको वो कलर्स मिल ही जाएंगे, तो हेयर को भी वो इरेज करना स्टार्ट कर देगा। सो लेट मी टेक इट एज 30, ओके। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो पता होती सबको, अंदाज़ा लगा के ही होते हैं। मैंने बैकग्राउंड पर क्लिक किया, मैं दोनों स्टार्ट किया, हाँ ये नाइस, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, बट अभी भी बहुत जगह वर्क नहीं हो पा रहा है ढंग से। अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ ऑल्ट दबा के, तो यहाँ पे ये लाइन दिख रही है वाइट कलर की, तो शायद इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ऑल्ट सेट किया, मैंने 40% कर दिया एंटर, ठीक है। अब मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया, ये अब भी है लेकिन पहले से काफ़ी हद तक बेटर है। तो मैं एक बार क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो मैं एक बार दोबारा करूँगा तो ये और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको जूम करता हूँ, स्पेस दबा के साइड में लेके आता हूँ, और मैंने एकदम जस्ट इस कलर पे क्लिक किया, तो अभी ढंग से हुआ नहीं, एकदम पास वाले कलर पे क्लिक करो, तो इस टाइप से लेकिन आसपास का ये ले लेते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो मैं बाल के पास जा रहा हूँ, जिधर ये बालों को भी अच्छी तरीके से कट कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पे ढंग से नहीं हो रहा वहाँ पे आप दोबारा एक बार क्लिक करके ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, तो ऑब्वियसली मिट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के ऑप्शंस की, यहाँ पे लिखा है लिमिट्स, लिमिट के अंदर आ गया डिसकॉन्टिग्यूस कॉन्टिग्यूस, ओके। डिसकॉन्टिग्यूस मतलब जो कॉन्टिन्यू फॉर्म में नहीं चलेगा, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। सो विद द न्यू लेयर लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्टिग्यूस एंड द सॉरी द डिसकॉन्टिग्यूस एंड द कॉन्टिग्यूस थिंग्स, ओके। सो मैंने यहाँ पे ले रखा है बैकग्राउंड इरेजर टूल, अभी डिसकॉन्टिग्यूस पे क्लिक है, टॉलरेंस 50% है। अभी तो खैर फ्लैट कलर्स हैं तो टॉलरेंस 0 या 1 हो डजेंट मैटर, ठीक है, 0 नहीं होता, 1 से जो भी है परसेंटेज में ऑब्वियसली। तो अब अगर मैंने एक कलर पे जो पर्पल कलर जो वॉयलेट कलर है इस पर क्लिक किया और जाके ड्रैग करना स्टार्ट किया मैंने, तो ये सारा के सारा जो भी अपना ये कलर था ये सारा के सारा मिट गया, ओके। सो नाउ गो टू द कॉन्टिग्यूस, ठीक है। प्लस का आइकन ध्यान देना सर्कल के अंदर कहाँ पे है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो लेफ्ट साइड पे अंदर कलर है वो नहीं मिट रहा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टिग्यूस, हालांकि यहाँ पे कॉन्टिग्यूस लिखा है बट ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलता है, मतलब दूसरे कलर पे तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक वो फिजिकली आपस में कनेक्टेड ना हो, ओके। अगर मैंने अब इस पर क्लिक किया तो ये अंदर वाले पे नहीं जाएगा, वो जाएगा वहां पर भी जाएगा बट जब मैं इसका माउस लेके अंदर जाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो जैसे मैं अगले पे माउस नहीं लेके गया हुआ हूँ लेकिन सर्कल जो मेरा है ब्रश का वो जा रहा है बट वहां पे कलर नहीं उड़ रहा। अगर डिसकॉन्टिग्यूस होता तो मैं करता तो वो उड़ता, सॉरी यहाँ पे कलर नहीं है, यहाँ पे लेता तो ये अंदर वाला भी जो यहाँ पे है वो भी उड़ रहा है। वही चीज़ अगर मैं कॉन्टिग्यूस पे करूँगा तो अंदर वाला नहीं उड़ेगा। तो ये डिफरेंस है कॉन्टिग्यूस एंड डिसकॉन्टिग्यूस का, फाइन है, जिसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
इसलिए मैंने आपको बता नहीं रहा हूँ. ऐसा नहीं कि यूज में नहीं है, होगा यूज में, डेफिनेटली होगा, बट राइट नाउ आई डोंट नो. ओके सो लेट्स डोंट सेव दिस फाइल. यहाँ पे आ गए. ओके सो अब हम इस लेयर में आ गए. सो बैकग्राउंड रिलीज करना है. ऑब्वियसली टॉलरेंस हमारा 50% है, बहुत कम होना चाहिए. बहुत तो नहीं, लाइक हमें लास्ट टाइम ने 40 लिया था, 40 भी आते हैं. ओके ऑल दबाया, स्क्रोल किया, ब्रश का साइज छोटा किया, ऑल्ट और या राइट क्लिक से. तो बहुत बारीकी से वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, ओके अदरवाइज खराब हो जाएगा. सो ये बहुत बारीकी से करना पड़ता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता नहीं हूँ. ठीक है, तो अब बात आती है इस वाले की. तो अगर इसके ऊपर थोड़ी देर अपना कर्सर रखो तो लिखा जाएगा सैंपल, और ये कॉन्टिग्यूस फॉर्म में चलता है. ओके ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट किया. सो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. अगर आप अपने माउस का कर्सर इसे थोड़ी देर रखोगे ना, थोड़ी देर, तो लिखा जाएगा सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस. ओके यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिखा है, वहाँ पे कॉन्टिग्यूस लिखा था. ओके सो यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इस पर क्लिक करते हैं. अब मैंने क्लिक किया और ये सिनेमेटिक ने स्टार्ट कर दिया. अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये आसपास के हर एक कलर का सैंपल बार बार लेता जाएगा, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आप बार बार उस पर क्लिक करो. ठीक है, अगर आप अंदर लेके जाओगे तो अंदर के कलर को भी मेटोना स्टार्ट कर देगा. तो इसलिए हम इसको नहीं, हम विचार लेके यूज करते हैं. और जो नेक्स्ट वाला है इसका नाम है ये बैकग्राउंड स्वैच. तो जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो उसको प्रोटेक्ट करेगा. तो वही भी बहुत अजीब सा हो जाता है. तो सबसे बेटर हमें, सब लोग जो सबसे बेटर होता है वो बीच वाले यूज़ करते हैं, जो है सैम्पलिंग फोन, सबसे बीच वाला. कॉन्टिग्यूस हो गया, टॉलरेंस हो गया. सो टॉलरेंस के अंदर 40% है, मतलब नॉर्मली 256 कलर्स होते हैं, 256 उसका 40% जो कलर्स बचेंगे वो हुआ. तो बेसिकली इस वीडियो पे, लाइक इस गर्ल पे वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है, सो आई एम नॉट गोना वर्किंग ऑन इट. सो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स फोटोशॉप के अंदर हैं, ठीक है, जो इसको बहुत आसानी से निकाल देगा. सो हमें उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है. सो प्रोटेक्ट फॉरग्राउंड कलर इसके बाद है. फॉरग्राउंड मतलब जो सामने है, सामने मतलब ये नहीं कि इनमें से सामने, मतलब इनमें से सामने जो हमारी इमेज आ रही है. ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट बाय द वे ये बहुत अच्छे तरीके से कट कर रहा है, बट इसने थोड़ा बहुत भी कर दिया. तो बेसिकली इट्स नॉट इन यूज प्रॉपरली, आपको बहुत परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा. हालांकि मैं इस टूल में नहीं हूँ. सो मैंने बोला था जस्ट इसलिए ये कराना था. और अब इसके बाद आता है कि मैजिक इरेजर टूल, जो सबसे आसान लगता है और सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें. मैंने इसको और इसको डिलीट करता हूँ. ठीक है, इसमें इसी विजिबिलिटी ऑन करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करता हूँ. अब ये ना एक बार मैंने क्लिक किया तो एक कलर को डिलीट कर देगा. सॉरी मैं पीछे से विजिबिलिटी हटाता हूँ तो दिखेगा इस तरीके से. हाँ ये बहुत अजीब हो जाता है कभी कभी, ये टॉलरेंस 100 पे है, मैं टॉलरेंस इसका 10 करता हूँ तो ये ऑब्वियसली कम लेगा, इसका सब कम कलर्स हैं तो इसने कम ले लिया. ठीक है, जब बैकग्राउंड एकदम फ्लैट होता है ना तब ये तरीके से काटता है. शायद मेरे पास इमेजेस है, लेट मी चेक. फ्लैट तो नहीं है बट काफ़ी हद तक सही है. ये ओके ठीक है, मैंने एक बार क्लिक किया तो इसने हटा दिया. आई थिंक मैं इसका टॉलरेंस को बढ़ा देता हूँ, एंटर मारता हूँ. तो उसने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से हटा दिया है. बाकी तो इसका जो बैकग्राउंड रिजल्ट होता है इससे वर्क करेंगे हम. ब्रश का साइज बड़ा किया, ठीक है, यहाँ पे सैंपल इसका लिया. तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिटोया है. ओके कॉन्टिग्यूस पे सिलेक्टेड है, तो ध्यान देना अगर डिसकॉन्टिग्यूस पे सिलेक्टेड होता और बाई चांस यहाँ पे बादल कोई आ रहा होता तो वो उसको भी मिटो देता, तो कॉन्टिग्यूस पे करो. और ध्यान दे, हर वक्त ध्यान दो कि क्लिक किस पे, लिमिट्स क्या चल रही है हमारी. ऊपर आए ये भी थोड़ा सा हमने मिटोया, ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ से कट गया. क्योंकि ये इमेज ही ऐसी थी, इसमें आसमान जो हमारा स्काई था वो इतना ज़्यादा कलरफुल था ही नहीं, रियलिटी में होता है. सो बताने के लिए था ये सिर्फ, मैं इसको कट कर रहा हूँ. ठीक है, मैजिक इरेजर एक बार में इरेज करती है सब चीज़. इरेजर टूल लगभग ख़त्म हो गया है. बस एक चीज़ और बता दूँ कि मैं कहाँ पे इरेजर टूल यूज़ करता हूँ. बेसिकली मैं इसको यूज़ करता ही नहीं, बहुत माइनर से चेंजेस में यूज़ करता हूँ. और इरेजर टूल का यूज़ करना एक डिस्ट्रक्टिव थिंग मानी जाती है. डिस्ट्रक्टिव मतलब कि अगर आपने एक बार कुछ चेंज कर दिया तो बाद में उसे आप ठीक नहीं कर सकते, गलती से कुछ गलती हो गई. ठीक है, और बेसिकली फोटोशॉप में नई नई चीज़ें आ गई. अगर आप एक बार चेंज कर दो उसे, अभी वर्क कर लो और बहुत आगे पहुंच जाओ करते करते, बहुत सारे लेयर्स डाल दो, तब भी आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक कर सकते हो अपने चीज़ को. बट इरेजर टूल को हम डिस्ट्रक्टिव मानते हैं. डिस्ट्रक्टिव मतलब खतरनाक, बकवास, जो भी आप समझ लो.
है। सो नाउ द ट्यूटोरियल इज ओवर गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और सबसे ज्यादा यार बेल आइकॉन पे क्लिक करना कभी मत भूलना, ठीक है। पानी पीना खाना खाना भूल जाना, बट बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि उसी की वजह से मेरी जो वीडियो है आपके फ़ोन के या फिर आपके डेस्कटॉप के नोटिफिकेशन बार पर टपक जाती है, ताकि आपको दिख जाता है इस बंदे ने कोई नई वीडियो डाली है। तो देखो यार मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, मजाक करो, शेयर पे क्लिक करो, जहाँ शेयर करना है वहाँ करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करके दस दो यार कि क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी थी, बट ये इंपॉर्टेंट भी थी। ओके सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।